गुप्ता, हम इस समय मौजूद हैं सिवान जिले के महरवा में और हम इस समय राज रेस्टोरेंट में, हमारे साथ इस समय रेस्टोरेंट के मालिक भी बैठे हैं जिनका नाम मनोज सिंह है। मनोज सिंह ने हमें स्टार्टर के तौर पे दही के सोले दही के सोले दिया है और इनके मुताबिक यहाँ पे इस एरिया में ये कहीं भी नहीं मिलता है, तो आइए चखते हैं और बताते हैं कैसा है इसका स्वाद। स्वाद वाकई लाजवाब है, अलग है। मेरे ख्याल से इसमें ब्रेड और कई तरीकों का यूज़ किया गया है, जैसे कि पनीर है, क्रीम है, गाजर है, चीज़ है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मनोज जी के पास, वही बताएंगे क्या है। जी मनोज जी बताइए। जी ये क्या है? जी थैंक्स। ये हमारे यहाँ का समझिए कि स्पेशल स्टार्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है जी, और ये इस एरिए में दूसरा ऑप्शन कहीं है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के लिए समझिए कि ये न्यू फेम हो चुका और ये कस्टमर जो है स्टार्टर के तौर पर इसको यूज करते हैं, प्लस अच्छी खासी इससे हमें सेल मिलती है हमारे यहाँ की। ये ज़्यादा लोग कब खाना पसंद करते हैं? ये आपका सेकेंड आवर में ही अधिकतर लोग, सेकेंड आवर मतलब शाम के टाइम में ही मोस्टली लोग आते हैं, तो कॉफ़ी के साथ में जी इसको स्टार्टर के तौर पर लेते हैं और काफ़ी इंजॉय और अच्छा। तो इसके साथ मनोज जी और क्या ले सकते हैं साथ में? चाय, कॉफी वाला चावल आप ले सकते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाकई इसका स्वाद अलग है, स्टार्टर के तौर पे बहुत चटना मिलता है जी, नाश्ते के तौर पे इसको ले सकते हैं, और जब भी आप सिवान आए, महरवा आए, तो जरूर आप राज रेस्टोरेंट में आ सकते हैं मनोज जी के इस रेस्टोरेंट में, और वाकई काफी लाजवाब स्वाद है, आइए जरूर चखिए इसको। थैंक यू। थैंक यू। लिखे तो